हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे क्लास सिक्स का जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट जो है, ये चैप्टर फर्स्ट में क्या है कि अर्थ और सोलर सिस्टम्स के बारे में है। इसमें देखेंगे वन बाय वन डिटेल से, और उसके बाद जाकर के डिस्कशंस करने के बाद हम लोग इसमें जो इसका क्वेश्चन आंसर है सारे को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। देखिए, यहाँ पे जब बात करते हैं कि अर्थ एंड द सोलर सिस्टम्स, देखिए अर्थ एंड द सोलर सिस्टम्स की बात करते हैं कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, हमारा अर्थ का जो शेप है वो जियोइड शेप का है, यानी कि स्फीयर नहीं है, ये क्या है, स्फीयर टाइप का है, बट ऊपर से और नीचे से, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे और ये वाला जगह पे क्या है, चपटा, ठीक है, पूरा ऐसे फ्लैट टाइप का है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, जियोइड, ठीक है, जियोइड शेप का है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा था। अब देखिए इसी के बारे में अब डिटेल से जानेंगे आगे। ठीक है, अब देखिए, अब जब बात करते हैं तो एक टर्म यहाँ पे आया है, फुल मून। देखिए फुल मून क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज में पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा क्या होता है, कहता है कि देखिए आप देखेंगे प्रत्येक दिन, प्रत्येक मंथ में एक बार एक ऐसा समय आता है जो मून है, ठीक है, वो मून क्या होता है, पूर्णतः दिखता है, ठीक है, पूरा पूरा दिखता है, कंप्लीटली दिखता है, तो उसे ही हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, यानी कि फुल मून कहते हैं। और मंथ में एक बार ही ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसा दिन आता है, ऐसा रात आती है जिस दिन आपको पूरा का पूरा चांद दिखेगा, अदरवाइज कुछ न कुछ उसमें या दिखेगा, कुछ न कुछ उसमें कम होगा। ठीक है, मतलब उसमें या तो आधा भाग दिखेगा या थोड़ा सा उसमें छोटा सा छोटा भाग दिखेगा, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा या फुल मून। अब देखिए क्या होता है, अब आगे हम जब जैसे ही फुल मून होता है तो उसके बाद जो मून है, ठीक है, तो मून धीरे 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 उसका जो साइज होता है, ठीक है, आपको दिखेगा एकदम साइज छोटा छोटा होते जा रहा है, देखिए ऐसे शेप बनेगा, ठीक है, ये फुल मून है। ठीक है, फिर अगले दिन देखिएगा जब ये जिस दिन फुल मून होगा उस दिन पूरा एकदम चमकेगा, ठीक है, ये अब देखिए अगले दिन क्या होगा, इसमें थोड़ा सा आपको इसे कटा हुआ दिखेगा, ठीक है, मतलब देखिए रोशनी यहाँ पे पड़ेगा, पूरा इधर रोशनी पड़ेगा लेकिन इस भाग में हल्का सा रोशनी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन की पूर्णतः, ठीक है, क्या होगा, आपको चंद्रमा दिखेगा ही नहीं, ठीक है, यानी कि एकदम पूरा नाइट ब्लैंक होगा, देयर इज नो एनी मून इन द स्काई। ठीक है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं न्यू मून या अमावस्या। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अमावस्या या न्यू मून, और ये भी पूरे मंथ में एक बार, एक दिन ही, एक नाइट ही ऐसा होता है देखने को आपको स्काई में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जाकर के आगे धीरे 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 क्या होगा, तो फिर अगले दिन थोड़ा सा मून दिखेगा, फिर अगले दिन और इस तरह से, फिर ऐसे करके हल्का हल्का बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि पूरा मून दिखने लगेगा। ठीक है, तो फिर जिस दिन पूरा मून दिखेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णिमा बोलेंगे, और जिस दिन पूर्णतः मून नहीं दिखेगा स्काई में तो उसे क्या बोलेंगे, हम लोग अमावस्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग फुल मून, और क्या देखे हम, हमने देखा कि न्यू मून क्या होता है। अब देखिए एक टर्म और आता है इसमें, सेलेशियल बॉडी। ठीक है, सेलेशियल बॉडी क्या होता है कि देखिए क्या है कि जब आप देखे जब हम स्काई में देखेंगे तो उस टर्म क्या होता है ना कि सन तो आपको स्काई में दिखता ही है दिन के समय में, और नाइट के समय में आपको मून दिखता है, और इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे 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 ऐसे लगेगा कि स्टार के टाइप का, ठीक है, स्टार भी दिखेगा, तो ये सब क्या है, स्टार सब, ये सब स्टार हो गया, उसके बाद मून हो गया, ये सन हो गया, जो भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको स्काई में दिखते हैं शाइनिंग करते हुए, उसी को हम लोग बोलते हैं सेलेशियल बॉडीज। ठीक है, यानी कि स्काई में जो भी हमें शाइनिंग करते हुए ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी मतलब चीजें दिखती है आपको शाइनिंग करते हुए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेलेशियल बॉडी बोलते हैं, है ना। अब देखिए क्या होता है, एक टर्म आता है यहाँ पे और उसके बाद देख करके देखिएगा सेलेशियल बॉडी क्या होता है। सेलेशियल बॉडी जो होता है ये बहुत ही बड़ा होता है, साइज में बहुत ही बड़ा होता है, और इसके साथ साथ काफी गर्म भी होता है, यानी कि काफी हीट भी होता है इसके साथ, इसके पास,
है ना। और ये जो बने होते हैं, जो सेलेसियल बॉडी होते हैं, ये किस चीज से बने होते हैं? ये गैसेस से बने होते हैं, और इसके पास अपना हीट होते हैं, लाइट होते हैं। उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा ये जो है लार्ज अमाउंट में अपना लाइट अपना क्रिएट करते हैं। और जब लार्ज अमाउंट में जिसके पास अपना हीट हो, अपना लाइट हो, और ये गैस से मिलके बने होते हैं, तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं स्टार। ठीक है, स्टार के पास क्या होते हैं? स्टार जो होते हैं वो गैसेस से मिलके बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके साथ 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 वो क्या होते हैं कि आपको उसके पास अपना हीट होते हैं, है ना, उसके पास अपना लाइट होते हैं, लाइट इमिट करते हैं, इसे ही हम स्टार बोलते हैं। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या सन एक सन क्या स्टार है? हाँ बिल्कुल, सन एक स्टार है। क्यों? क्योंकि सन के पास क्या है? सन के पास अपना हीट है, लाइट है, वो भी गैस से मिलके बने होते हैं, है ना। तो ये चीज है, यानी कि आपसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछे देखने को ऐसा मिलता है कि सन क्या है, सन एक स्टार है या प्लानेट है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता था, क्या मून मून एक स्टार है? बिल्कुल, मून स्टार नहीं है। क्यों? क्योंकि मून जो है, जो चमकते हैं मून, वो सन के लाइट पड़ने पे मून चमकता है। सन के मून के पास अपना लाइट नहीं होते हैं। ठीक है, तो यानी कि मून क्या है? मून स्टार नहीं है, आपने देख लिया यहां पे। अब चलिए अगला क्या है? अब देखिए आगे जब बात करते हैं तो आगे यहां पे आता है। अब देखिए क्या है कि यहां पे एक टर्म आया है कॉन्स्टिलेशंस। देखिए कॉन्स्टिलेशंस क्या होता है, जब आप स्काई में देखेंगे ना, ठीक है, स्काई में देखते होंगे, जैसे हम देखिए एक गर्ल्स देख रही है स्काई के तार, ठीक है, स्टार को देख रही है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में, देखिए यहाँ पे भी देखिए डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में, ये जो पैटर्न बना हुआ है ना अपना, एक पैटर्न टाइप का है। ठीक है, एक मतलब श्रृंखला का टाइप का है, तो इसी को तो हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, एक पैटर्न, डिफरेंट डिफरेंट अपना पैटर्न को फॉर्म करता है, जितने भी ऊपर में ऑब्जेक्ट है वो क्या है ना कि एक पैटर्न में है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न या ग्रुप में हम कह सकते हैं जो स्टार है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि देखिए एक ऊर्सा मेजर, या इसी को हम लोग बोलते हैं बिग बैंग। ठीक है, तो इस तरह से इसी ये एक क्या है? कॉन्स्टिलेशंस है, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है क्या कि पोल स्टार क्या होता है। देखिए क्या है ना कि जब हम बात करते हैं, जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब जब एंशियंट टाइम में पीपल्स होते थे, तो वो लोग क्या करते थे? निर्धारण करते थे क्या चीज कि स्काई में क्या है, स्काई मतलब डायरेक्शंस किधर होगा। तो इस तरह से क्या है ना कि कहता है कि द नॉर्थ स्टार। ठीक है, यदि नॉर्थ साइड में कोई स्टार है तो वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोल स्टार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोल स्टार बोलेंगे, यदि नॉर्थ स्टार इंडिकेट करेगा नॉर्थ डायरेक्शन को। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? पोल स्टार बोलेंगे। अगर वही साउथ साउथ में कोई स्टार है तो साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, उसे क्या बोलेंगे? साउथ स्टार बोलेंगे, है ना। अब चलिए आगे बात करते हैं, अगला देखिए। अगला यहाँ पे है प्लैनेट। देखिए प्लैनेट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कभी कभी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोल एंड स्टार, क्या कहते हैं उसको आपको, स्टार एंड प्लैनेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सेलेसियल बॉडीज, ठीक है, जिसके पास अपना हीट नहीं होता है, नहीं अपना क्या होता है, नहीं अपना हीट होता है, नहीं अपना लाइट होता है उसके पास, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को हम लोग प्लैनेट बोलते हैं, है ना। और प्लैनेट जो है एक ग्रीक वर्ड, ठीक है, क्या है? प्लेनेटन। ठीक है, प्लेनेटन टाई, ठीक है, जिसका मीनिंग्स होता है वांडर्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, प्लैनेट दिक्कत, जिसके पास अपना ना ही हीट होता है, ना ही अपना उसका क्या होता है, अपना लाइट होता है, जस्ट अपोजिट स्टार के अपोजिट। ये भी एक सेलेसियल बॉडीज होगा, सेलेसियल बॉडीज में स्टार और प्लैनेट दोनों आ जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट आपको स्काई में देखने को मिलेगा जिसके पास अपना हीट नहीं होते हैं, उसे हम लोग प्लैनेट कहेंगे, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा जिसके पास अपना हीट होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टार बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे आता है, अब यहाँ तो हम अर्थ सिस्टम के बारे में पढ़ ले, अब देखिए सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब सोलर सिस्टम्स क्या होता है कि पर्टिकुलरली जो सौर परिवार होता है, ठीक है, सौर परिवार, अब इसमें क्या क्या है? देखिए सौर
सोलर सिस्टम से। देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए सोलर सिस्टम में टोटल मिला करके 8 प्लैनेट्स हैं। कितना है? 8 प्लैनेट, द सन एंड द 8 प्लैनेट। सोलर सिस्टम में क्या है, टोटल मिला करके सन प्लस 8 प्लैनेट, यानी कि आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको सैटेलाइट भी देखने को मिलेगा, कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि आपको एस्ट्रॉइड्स हो गया, मेट्रॉइड्स हो गया, ये सब देखने को मिलेगा कहां पे, तो सोलर सिस्टम में। ठीक है, सोलर सिस्टम में आपको सन, उसके बाद 8 प्लैनेट, उसके बाद कुछ सैटेलाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स देखने को मिलेगा कहां पे, तो सोलर सिस्टम में। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है कि देखिए यहाँ पे कुछ देखिए पिक्चर्स दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला जो पिक्चर्स की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे सारा चीज बताया गया है, इसी के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। चलिए देखते हैं, कहता है क्या कि देखिए यहाँ पे जो पर्टिकुलरली हम लोग वन बाय वन जब पढ़ते हैं तो इस क्रम में आता है सन। ठीक है, तो सन, सन के बारे में आप पहले ही बता चुके हैं हमको आपको। ठीक है, कि सन क्या होता है, एक आपका स्टार है। ठीक है, इसके पास अपना हीट होता है, अपना लाइट होता है। ठीक है, उसके बाद ये गैसेस से, डिफरेंट डिफरेंट गैस से मिलकर बने होते हैं, है ना। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि क्या है कि ये जो हमारे अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ है, अर्थ से, ठीक है, अर्थ से कितना डिस्टेंस पे है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, 150 मिलियन दूर है अर्थ से। ठीक है, तो ये था सन के बारे में। अब चलिए देखते हैं प्लैनेट के बारे में। ठीक है, अब देखिए प्लैनेट पहले ही बताते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट है। प्लैनेट क्या होता है, जिसके पास अपना ना ही हीट होता है, ना ही अपना लाइट होता है, है ना, और ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, है ना। तो देखिए यहाँ पे टोटल मिला करके 8 प्लैनेट है, और इस क्रम में आप देखेंगे कि पहला जो है यहाँ पे आपको मरकरी है। ठीक है, उसके बाद वेनस, उसके बाद देख करके अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और उसके बाद आपको नेपच्यून देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये सन से, देखिए सपोज कीजिए ये सन है, और सन से डिस्टेंस के क्रम में, ठीक है, सन से डिस्टेंस के क्रम में तो पहला जो आता है आपका मरकरी आता है, उसके बाद मरकरी के बाद आपका क्या आता है, मरकरी के बाद आपका, मरकरी के बाद आपका आता है वेनस, उसके बाद अर्थ आता है, फिर मार्स आता है, जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, उसके बाद नेपच्यून आता है। ठीक है, तो इसका देखिए एक शॉर्ट ट्रिक दिया गया है आपके क्लास में, क्लास सिक्स में, यदि आप क्लास सिक्स के स्टूडेंट है तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व एज नर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माई मतलब मरकरी भी वेनस, उसके बाद देखिए कि इफिशियंट आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया, उसके बाद मार्स हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो गया, जस्ट यानी जुपिटर हो गया, उसके बाद देख करके सब यानी कि आपका क्या हो गया, सैटर्न हो गया, उसके बाद लास्ट में आपका, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद देख करके आपका नेपच्यून हो गया। ठीक है, अब देखिए नेपच्यून के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना कि नेपच्यून को सोलर सिस्टम में आठवां ग्रह था, प्लैनेट था, और उसके बाद अगर कि ये काफी छोटा रहने के कारण, ठीक है, इसे क्या किया गया ना, इसे प्लैनेट की दृष्टि से हटा लिया गया है। ठीक है, नेपच्यून नहीं, प्लूटो। ठीक है, नेपच्यून तक तो ठीक है, हाँ, ये मतलब टोटल में आकर के 8 प्लैनेट था। ठीक है, अब देखिए क्या है कि आगे जब बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ कर्म दिया गया टोटल मिलाकर के जो प्लैनेट है, ठीक है, इसमें जो 8 आपको देखने को मिलता है प्लैनेट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मरकरी, जो मरकरी के बारे में जब बात करते हैं, ये सन से काफी निकट है, और इसको जो टोटल मिलाकर के कंप्लीट करने में एक दिन, ठीक है, 88 दिन लगता है, एक बार रोटेट राउंडिंग करने में, ऐसे अगर घूमने में इसको कितना लगता है, 88 दिन। ठीक है, 88 दिन लगता है इसको। और उसके बाद जो अर्थ का ट्विन, ठीक है, अर्थ का जुड़वा जो ग्रह होता है, ठीक है, इसे किसे बोला जाता है, वेनस को। ठीक है, वेनस को क्या बोला जाता है, अर्थ ट्विन्स बोला जाता है, है ना। इसी तरह से फिर देखिए रिसेंटली ये कहता है 2006 में प्लूटो को क्या किया गया, प्लैनेट की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, और इसी क्रम में यहाँ पे ये चीज बताया गया है। अब देखिए क्या है कि आगे जब बात करते हैं, एक चीज और आता है ड्वार्फ, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है। ड्वार्फ प्लैनेट किसको बोला जाता है, तो प्लूटो को बोला जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका साइज काफी छोटा हो गया था। ठीक है, इसी को लेकर के इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। ठीक है, और
अब देखिए आगे बात करते हैं हम अर्थ का, ठीक है। अर्थ जो है सन से, सन के बाद क्या है, मरकरी है, ठीक है, उसके बाद वेनस है, उसके बाद अर्थ है, ठीक है। यानी कि सन से तीसरे स्थान पे है, मतलब सन से मार्स के बाद वेनस, वेनस के बाद आपका अर्थ आता है, ठीक है। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, है ना। और उसके बाद जाकर के ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, कौन सा है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। और उसके बाद जाकर के ये क्या है, स्लाइटली फ्लैटेंड है और एट द पोल्स, मतलब जो बताए थे ये देखिए पोल पे क्या है, स्लाइटली फ्लैटेंड है, ये समतल टाइप का, ऐसे करके चपटा टाइप का, ठीक है। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, इसी कारण इसको जियोइड बोलते हैं, ठीक है, मीन्स लाइक शेप, ठीक है। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, है ना। अब देखिए क्या है कि पर्टिकुलरली जब आगे हम बात करते हैं कि देखिए क्या है कि यहाँ पे जो आउटर स्पेस है, ठीक है, अर्थ पे स्पेस पे, अर्थ स्पेस को जब देखते हैं तो ये क्या होता है ना कि टू थर्ड सरफेस जो है कवर्ड होता है वाटर से, ठीक है, जिसके कारण हमें बाहर से क्या दिखता है, ब्लू प्लैनेट, ठीक है, ब्लू दिखता है। और क्यों दिखता है, यहाँ पे वाटर की उपस्थिति के कारण, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट दिया है कि जो सन का, ठीक है, लाइट होता है यहाँ पे पृथ्वी पे आते तक, ठीक है, कितना लग जाता है, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे सन पहुंचते पहुंचते। और इसी को हम लोग 8 मिनट, ठीक है, 20 सेकेंड, ठीक है, 8 मिनट लगभग में लग जाते हैं यहाँ पे अर्थ पे जो सनलाइट है पहुंचने में, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, अगला जो यहाँ पे आपका है कि द मून। देखिए मून क्या है, ये क्या है, पर्टिकुलरली आपको पता होगा कि जो ये एक ऐसा सैटेलाइट है, ठीक है, इसके पास पर्टिकुलरली अपना लाइट नहीं होता है और ये इसे उपग्रह बोला जाता है, ठीक है। और इस क्रम में जब आगे हम देखें, पता है कि इसका जो डायमीटर होता है 1 वाटर होता है ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ये जो है काफी निकट रहने के कारण, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है कि पर्टिकुलरली उसके बाद जाकर के आपको देखने को मिलेगा कि जो मून है वो मून क्या है ना कि अपना जो एक बार रोटेशन कंप्लीट करता है, एक बार राउंड जो कंप्लीट करता है, इसी टोटल में आकर 27 डेज लगता है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो सन है, जो अर्थ है, अर्थ से जो मून है वो काफी अच्छे से दिखाई देता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो अर्थ है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ का एकमात्र, ठीक है, सैटेलाइट कौन है, ये मून है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, देखिए सैटेलाइट क्या होता है, ठीक है, सैटेलाइट होता है एक सेलेस्टियल बॉडी होता है जो मूव करता है अराउंड द प्लैनेट, ठीक है, सेम वे, मतलब जिस साइड में, जिस डायरेक्शन में क्या होता है, मूव करते हैं प्लैनेट, ठीक है, पूरा बॉडी, ठीक है, जिस मूवमेंट में सन मूव करते हैं, है ना। अब उसके बाद देखकर के कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो ह्यूमन मेड होते हैं, ठीक है, इसे भेजा जाता है कहाँ पे, जो स्पेस में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ आपको दिखाया गया है, ये देखिए सैटेलाइट है जो ह्यूमन मेड है, ठीक है। और इस क्रम में क्या होता है ना कि जो अर्थ सरफेस है उसी डायरेक्शन में, मतलब जो रोटेशन होता है, ठीक है, प्लैनेट का, तो उसी डायरेक्शन में ये रोटेट करता है, ठीक है। कुछ यहाँ पे इंडियन सैटेलाइट है जैसे कि इंसाट हो गया, IRS हो गया, EDUSAT हो गया, ये सब हो गया, है ना, तो ये सब आपने देखा। अब देखिए आगे हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होता है कि कहता है कि देखिए कि पर्टिकुलरली जो हमारा स्टार है, प्लैनेट है के अलावा, और सैटेलाइट के अलावा कुछ छोटे छोटे न्यूमेरियस टीनी बॉडी होते हैं, ठीक है, जो कि मूव करते हैं, ठीक है, सन के अराउंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। और ये पर्टिकुलरली फाउंड, ठीक है, कहाँ पे, तो ऑर्बिट ऑफ मार्स, जुपिटर, ठीक है, ऐसा देखने को मिला है, ठीक है। अब देखिए मेट्रॉइड्स क्या होता है कि कहता है कुछ ऐसे छोटे छोटे रॉक, ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ रॉक जो कि मूव करते हैं अराउंड द सन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा कि सर एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स में क्या अंतर है, तो एस्ट्रॉइड्स में ये क्या होता है, टीनी बॉडीज होते हैं, ठीक है, और ये पर्टिकुलरली जब ये इसका मूवमेंट होता है कि स्टार प्लैनेट के साथ साथ ये मूव करता है, जस्ट लाइक जैसे कि जो प्लैनेट है, ठीक है, सैटेलाइट है, जैसे मूव करता है उसी तरह से ये भी मूव करते हैं। बट ये क्या होता है ना कि जब मूव करते हैं ये स्मॉल पीसेस में, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े किसका, रॉक के होते हैं, इसी को हम लोग मेट्रॉइड्स कहते हैं, ठीक है। ये कंप्लीटली क्या होता है ना, बर्न हो जाते हैं, ठीक है, विदाउट मेट्रॉइड, कुछ समय के बाद अपने फ्लैश करेगा, आफ्टर देन बर्न कर जाएगा, ठीक है। ये था मेट्रॉइड। अब देखिए गैलेक्सी क्या होता है, जब गैलेक्सी की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलरली आपका एक ह्यूज जो सिस्टम,
ठीक है, बिलियंस ऑफ स्टार्स हो गया, ठीक है, क्लाउड्स डस्ट एंड गैसेस होते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग, अब देखिए गैलेक्सी क्या होता है, तो गैलेक्सी जो होता है पर्टिकुलरली जो ह्यूज सिस्टम्स है, बिलियंस ऑफ, ठीक है, क्लाउड्स एंड डस्ट गैसेस, ये सब क्या है, इसी को हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं, है ना। तो आगे ये था हमारा गैलेक्सी। अब देखिए ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चंस है और इस कर में आपने देख लिया। देखिए एक टर्म छूट गया, यूनिवर्स क्या होता है। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स लास्ट में दिया हुआ था कि देर आर मिलियन सच गैलेक्सीज मेक द यूनिवर्स, मतलब बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर के, ठीक है, वो क्या बनाएंगे, उसी को यूनिवर्स बोलते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लैनेट क्या होता है, हर डिफरेंट बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार, ठीक है, जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है उसे प्लैनेट कहते हैं, जिसके पास अपना लाइट होता है, हीट होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। उसके बाद देख करके मिंट वाइज सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में क्या है कि आपका सोलर सिस्टम में सन होगा, सेटेलाइट हो गया, स्टार हो गया, है ना। तो ये सारा चीज क्या हो गया, ये सोलर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद प्लैनेट एंड अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है, कितना है आपका, आपका इसका जो डिस्टेंस है लगभग में 150, ठीक है, मिलियन है, है ना, 150 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर है डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए व्हाई द अर्थ कॉल यूनिक प्लैनेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा ही एक ही ऐसा प्लैनेट है जहां पे कि लाइफ पॉसिबल है। व्हाई डू वी ओनली साइड ऑफ द मून ऑलवेज, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे देखिए इधर साइन पड़ेगा इस लाइफ में, तो क्या है ना कि मूवमेंट ऐसे कर रहा है, तो ये क्या है ना एक ही साइड में ना पड़ेगा, तो ये स्वाभाविक है। देखिए व्हाट इज द यूनिवर्स, यूनिवर्स जो गैलेक्सी है, डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सी, बहुत सारे गैलेक्सीज मिलकर क्या बनाएंगे, यूनिवर्स बताएंगे, है ना। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर में यहाँ पे ये बताया गया है कि बताइए क्या है ना कि द प्लैनेट नोन एज द अर्थ किसे बोलते हैं, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा वेनस, है ना। अब देखिए विच ऑफ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द अर्थ सन, अर्थ ऑल ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन, ठीक है, किस पाथ में, आपको देखिए ये जो पर्टिकुलरली सर्कुलर पाथ में, ठीक है। उसके बाद पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, है ना। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे, एस्ट्रॉइड्स एंड फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ किधर, आपका यहाँ पे मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। अब देखिए आगे जब बात करते हैं, आगे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में कहता है ए ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड ए डैश, कहता है ए ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है, फॉर्मिंग क्या पैटर्न बनाता है आपका, ये क्या बनाता है आपका, कॉन्स्टिलेशंस बनाता है, ठीक है। तो ये चीज है आप सारा ये ह्यूज सिस्टम्स स्टार्स कॉल्ड क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं, है ना। उसके बाद डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ, ठीक है, क्या है सेलेस्टियल बॉडी सबसे क्लोजेस्ट, ठीक है, मार्स है, है ना। उसके बाद देख करके डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट अर्थ है, है ना। उसके बाद देख करके प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश, ठीक है, प्लैनेट के पास क्या होता है, अपना लाइट नहीं होता है, अपना ना ही हीट होता है, ठीक है, ये चीज हो गया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस और पूरा फुल डिस्कशंस इस चैप्टर्स का आपको देखने को मिला, ठीक है। तो कैसा लगा ये आपको, ठीक है, आपको आगे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, फिर मिलते हैं आपको आपसे अगले चैप्टर में।